हेलो दोस्तों, मैं फैजल, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपने सामने भाई क्रेटा SX ऑप्शनल। आप सोच रहे हो भाई अंधेरे में कहाँ से आ गया। अंधेरे में इसलिए आ गया क्योंकि अब क्रेटा टॉप मॉडल है, मैन वाले में आता है। इसी का ही देखेंगे क्या कुछ इसमें रात में लाइट्स आ जाती है, कैसी दिखने में, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। मैंने अभी जला वला के सब देखे, लेकिन आपको और दिखा देता हूँ कैसी दिखने में सारी लाइट्स इसकी। और अभी देख लो सामने से फ्रंट लुक कैसा है इसका, बढ़िया लग रही है देखने में गाड़ी। और अब पहले ना जो इसकी की आती है वो कुछ इस तरह की आती है, रोशनी में देख लो, लॉक अनलॉक होल्ड और अपना बीप बीप। अब जैसे ये बीप बीप दबाऊंगा, देखना सुनना आवाज़, होल्ड करूंगा बीप को, ऐसे सायरन मारने लगेगी और वो देख लो दोनों इंडिकेटर जलने लगेंगे ORVMs के भी साथ में। इसे बंद करना है तो एक बार अपना दबा दिया बंद हो जाएगा। और अपना दूसरा आता है भाई लॉक का, लॉक करते जैसे ही लॉक करा ये अपना ऐसे जल जाएगी लाइट, और जैसे ही अनलॉक करा यहाँ देखना, अब अनलॉक करते ही ना ये देखना पास ले जाते ही खुल गया, ऑटोमेटिक खुद हो जाता है। इसमें ऐसा फंक्शन है कि पास ले जाते गाड़ी अगर थोड़ी देर बाद आते हैं ना गाड़ी के, तो ऑटोमेटिक खुद खुल जाता है और नीचे से लाइट जल जाती है। नीचे देखो वाइट है बिल्कुल, LED वाली मस्त लगती है देखने में। देखना अनलॉक का बटन दबाऊंगा क्या कैसे अपना शो करती है, पीछे भी इंडिकेटर जलते हैं, इंडिकेटर पर भी और सामने भी। अब चलते गाड़ी के अंदर कैसी इसकी लाइट्स हैं सारी की सारी। दरवाज़ा खोलते ही तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपने अंदर है ना मेन तो काम अंदर ही है। ये देखो यार बड़ा गजब का लगता है देखने में रात में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे कहते हैं। अभी तो मैंने गाड़ी चालू नहीं करी, अपना डोर खुलता है तो ऐसा शो करने लग जाता है, ब्लू लाइट है बिल्कुल एम्बियंट। और यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप पे भी लाइट जलती है रात में। SX बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ SX ऑप्शनल है, टॉप मॉडल है ये बिल्कुल, जो आता है ऑन रोड ये पड़ता है गुड़गांव में 19 लाख रुपये का। अब देखना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाऊंगा एक बार, MID में ऐसे आ जाता है और हुंडा बीच में लिखा हुआ, और बड़ा गजब का लग रहा है रात में देखो तो। और यहाँ जो दिख रहा है ना आपको कैमरे में जस्टिस हो नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ बहुत तगड़ी लाइट जल रही है, एम्बियंट चालू हो चुकी है एक बार बटन दबाते ही। और जो अपनी लाइट वगैरह बाहर की जला रखी है तो यहाँ से शो करेगा, अब लाइट जला देते बाहर की। और एक बार और बटन दबाओ इंजन वाला, एनिमेशन देखो यार बड़ा गजब का लगता है सही। सिर्फ ये जो बीच का है ना ये अपना डिजिटल, मतलब डिजिटल नहीं है लेकिन ये अंदर ही है डिस्प्ले में, वैसे नहीं है आपका कि सोचो ये स्क्रीन है पूरी, ये पूरी आती है बस ये सामने है ना, ये जो एनालॉग है ये साइड में जो RPM मीटर है 6 की मार्किंग दे रखी है रात में। अब देखो कितना खतरनाक लग रहा है दूर से। और जो अपने स्टेयरिंग व्हील पर यहाँ पर भी लाइट जलना शुरू हो जाती है, ब्लू कलर की लाइट है, बड़ी मस्त लगती है देखने में। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल पर, और यहाँ देखो पूरे एंड तक जाती है लाइट, बीच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना खतरनाक है। इसमें दिखाऊँ मेन्यू, जैसे यहाँ से जाए इधर फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सारे फंक्शन मिल जाते हैं, USB रेडियो, नेविगेशन, वॉइस मेमो, फेवरेट, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो अपना गाड़ी रात में मस्त। AC देखो यार ऑटोमेटिक कितना खतरनाक लगता है देखने में, ऑटो का है ये बोला, अभी रात में दिख नहीं रहा मैं अपना सारे एडजस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ जो है अपना पावर सॉकेट में लाइट जल जाती है, और यहाँ पर भी अपना लाइट जल जाती है USB की साइड पूरा। ये बीच में AC के हज़ार लैम्प्स की, ऐसे हज़ार लैम्प बाहर से हज़ार लैम्प जलाती, बीच में ऐसे शो करने लग जाता है। यहाँ से अपना चेंज करें तो बीच में ऐसे कंपास, और ये, और फिर ये क्रूज़ कंट्रोल के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, अगर वेंटिलेटेड भाई ऐसे अपने बंद करनी है तो ऐसे बंद हो जाती है, और हवा लेनी है वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। रात में भी दिख नहीं रहा ऐसे, यहाँ से भी चालू हो जाएगी। ऑटोमेटिक पार्किंग मिल जाती है, जैसे अपना मैनुअल नहीं है वैसे है ऑटोमेटिक वाली। यहाँ इंजन की लाइट्स वगैरह सारी जलती रहती है रात में, बड़ा गजब का लगता है देखने में। अब दिखाऊँ पीछे, पीछे क्या है, पीछे है भाई ये एयर प्योरीफायर। तो अभी देखो यहाँ जो है ना एयर प्योरीफायर आता है, इसमें बड़ा ख़तरनाक लग रहा देखने में, ऐसा लग रहा कुछ मस्त है यार गाड़ी में। यहाँ अपनी USB की लाइट जलती रहती है, और पीछे जो है अपनी LED लाइट यहाँ से जलती है, आगे की भी जलती है, आगे की जलाता हूँ इस जगह से। LED है अपनी, हेलोजन में नहीं है, इधर की जलाऊँ तो ऐसे अपना बाहर से दिखाऊँ पूरा इंटीरियर एक बार, बाहर चल के दिखाऊँ तो तुम्हें, फिर तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा बढ़िया। अब देखो सारी लाइट जला रखी है मैंने सारी दिन में, और यहाँ जो इसकी एम्बिएंट है ना अब दिखाई देगी तुम्हें थोड़ी ढंग से, उस जगह से भी देखो इसकी। अब पीछे चलता, पीछे की लाइट तो रह गई सारी, मेन तो पीछे की लाइट है, जो कि भाई पीछे मेनली ज़्यादा पसंद आती है लोगों को क्रेटा वगैरह, आगे से ज़्यादा पीछे की लुक बड़ी खतरनाक है देखो। अब यहाँ देखो मैट्रिक्स है पूरे, मैट्रिक्स ऐसे नहीं है अपने वैसे हेलोजन वाले, पूरे मैट्रिक्स है, पता ही नहीं चलेगा इसमें भाई हेलोजन बल्ब भी है नहीं है, सिर्फ यहाँ इंडिकेटर में मिल जाता। अभी ब्रेक और दबाएगा भाई, ब्रेक दबाना भाई अंदर जाके, पूरे ऊपर से नीचे तक आते बन के बड़े लग रहे हैं पूरे टॉप मॉडल में देखो भाई। ब्रेक, ब्रेक छोड़ना, अब ब्रेक दबाना,
इसमें पता ही नहीं चल रहा कि हैलोजन है वैसे, ये भी एलईडी है, पूरे सारे एलईडी हैं। और यहाँ बीच में भी ब्रेक लैंप जलते रहते हैं ऐसे। एक बार ब्रेक दबाना भाई, अब देखो ओवरऑल क्या खतिया। और यहाँ छोड़ दो भाई, छोड़ दो। और यहाँ अपने नंबर प्लेट पे लाइट मिल जाती है हैलोजन वाली। और बूट और खोल के दिखाता हूँ तुम्हें, बूट में कोई लाइट तो नहीं है, उससे आओगे भाई अंदाजा हो जाएगा बढ़िया। यहाँ बूट में ये रही एक हैलोजन में लाइट, अपना जैसे लगेज वगैरह निकालना पड़ जाता ना तो उस हिसाब से सही लगती है। एक बार बूट ओपन करके ऐसी लाइट आ जाती है गाड़ी में, और सही है भाई। जिसको लेने जाना टॉप मॉडल पे जा सकते हो, वरना जो इससे नीचे वेरिएंट आते हैं ना उनमें नहीं आता एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, जैसे नीचे वेरिएंट आ जाते हैं ना, जैसे ई प्लस हो गया, एस हो गया, शायद एस तक भी नहीं आता एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह का ऑप्शन। और जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना अंदर 10.25 इंचेस की स्क्रीन है, इसमें सारे फंक्शन वगैरह सब आ जाते हैं। ये भी शायद उस, ये भी नहीं आता ई और ई प्लस वाले वेरिएंट में। और जैसे अपने की बाहर चली जाती है तो ये शो करने लग जाता है कि भाई बाहर चली गई की, ऐसे की नॉट डिटेक्टेड। पूरा ऐसा इंटीरियर है, एक बार सनरूफ और खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। ये अपना जो ब्लाइंड है वो हट जाता है, पूरा एंड तक जाती है। इस बटन से बंद कर लो भाई, अपनी पूरी पूरा ब्लाइंड वापस आ जाता है गाड़ी में। और अब आगे की ओर दिखाता हूँ, आगे तो रह गई लाइट। अब देखो यार लाइट है क्या है, यहाँ से पास से दिखाता हूँ। ये भी पूरे मैट्रिक्स में नहीं आ रहे, लेकिन ये नॉर्मल मैट्रिक्स में नहीं है वैसे, थोड़े अपने डॉट डॉट है इनमें अंदर। ध्यान से देखो ना तो डॉट डॉट है पूरी देखने में, एंड तक ऐसे ऊपर से नीचे तक जाती है। और ये तीनों ट्रायो बीम आते हैं क्रेटा में, लेकिन इनका थ्रो तो रात में कम है वैसे, रात बोलते हैं बहुत से लोगों से सुना भी है। फोग लैंप ऑन करना भाई, फोग लैंप अपने हैलोजन में। और यहाँ पे भी इंडिकेटर में बल्ब लगा हुआ है, ऐसे अपने चलते रहते हैं। एक बार दूर से और दिखाता हूँ लुक कैसी गाड़ी की। तो ये हो जाती है पूरी क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल की, सामने फ्रंट साइड लुक, सारी लाइट वाइट मिला के सारी ऐसी लाइट आ जाती है इसमें पूरी गाड़ी में, बहुत ही खतरनाक लगती है अपनी। वहाँ तो खड़ी है अर्टिगा, उसका तो नाइट व्यू मैंने डाल ही रखा है, देख लेना मेरे चैनल पे। और ये अपनी क्रेटा हो जाती है। ये था भाई पूरा क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल का नाइट व्यू। कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट्स में, पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, ऐसी वीडियो आती रहेगी। ओके बाय बाय।